अस्सलाम वालेकुम। जब समर्स आते हैं, गर्मियाँ आती हैं, तो जो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है ना, जो मुझे होती है एटलीस्ट, वो समर्स की लॉन्स, प्रिंट्स, कपड़ों को मैं बहुत लुक फॉरवर्ड कर रही होती हूँ। कुछ ना कुछ एक्चुअली ये होता है, जब लॉन नई नई आती है ना, तो मेरे जहन में कुछ और होता है कि इसको ऐसे सिलवाऊँगी, ये करूँगी, लेकिन कुछ हफ्ते 10 दिन के बाद या समझे 1 महीने के बाद कुछ नया आइडिया आता है कि इस समर्स में हमें यूं ऐसे कपड़े बनाने चाहिए और जो थोड़े से डिफरेंट होते हैं लास्ट ईयर से। तो मैंने भी आपके को मैं बता रही थी कि मैंने बहुत सारे कपड़े ऑर्डर किए हैं अपने, जैसे जैसे वो आते जाएंगे मैं आपको दिखाती जाऊंगी। अच्छा, बजट का ये होता है कि कुछ कपड़े जो है ना, कुछ लोग तो कहेंगे कि बहुत सस्ते हैं, कुछ को सस्ते और कुछ कहेंगे बहुत महंगे हैं। इसके प्राइसेस में मैं नहीं जाऊँगी, मैं आपको बस दिखाऊँगी, और अगर आपको वो अच्छे लगे और आपके बजट में आ रहे हो तो आप ले भी सकते हैं। कल मैंने आपको हुसैन बिहार का दिखाया था, अभी मेरे पास ये मेरा एक नूर कलेक्शन एक वेबसाइट, मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करूँगी, यहाँ से मैंने ऑर्डर किया है ये ड्रेस और ये आया, ये आपको दिखा रही हूँ। और आज लेटर मैं जाऊँगी अपने पठान भाइयों की शॉप्स पर F10 में, और वहाँ पर क्या आया हुआ है और कौन कौन से प्रिंट्स हैं ईद के लिए, कुछ देखेंगे कि क्या करें। तो पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ, अच्छा जी, ये मैंने ऑर्डर किया था अपनी बहुत प्यारी एक नीस के लिए, और ये आया है सूट। एक और भी आज इम्पॉर्टेंट बात हुई है, और वो ये कि एक मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर फैमिली में से मुझसे मिलने के लिए आई, थैंक यू वेरी मच, और वो बहुत प्यारा कुर्ता भेजा है और सुमन हलवा भेजा है। तो ये वाइट कुर्ता है, जो कि वाइट कुर्ते, तो पता क्या, मैं उस दिन भी आप लोगों के साथ बात कर रही थी ना, बहुत अच्छे लगते हैं वाइट कपड़े गर्मियों में, और ये जो वाइट कुर्ता होता है स्पेशली, आप इसको खुस्से के साथ या ट्रेडिशनल कोल्हापुरी या चप्पल के साथ आप पहने और बहुत अच्छा लगता है। इवन मैं वो सुन रही थी, ताबिश जो एक डिज़ाइनर है, वो किसी शो में कह रहा था कि वाइट कुर्ता आप खुस्से के साथ पहने और आप वो इतना कन्वीनियंट और अच्छा लगता है और बहुत स्टाइलिश लगता है, ये नहीं है कि वो बस आपने ऐसे कैजुअल नहीं लगता, वो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे तो इस सीज़न का पहला वाइट कुर्ता मिल गया, थैंक यू वेरी मच। इस पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है तारकशी की, और ये जब सिल के आएगा तो मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी। ये है वो वाइट कुर्ता, ये इसके नेक पे सारा काम हुआ, तारकशी हुई है। ये देखिए, ये नेवी ब्लू कलर का है और बहुत अच्छा है, स्ट्रेट एक ड्रेस है, काफ़ी अच्छा है, और मुझे अच्छे लगते हैं आजकल गोल घेरे वाली स्ट्रेट लंबी शर्ट है, और साथ इसके स्ट्रेट पैंट्स हैं, स्टिच्ड है, स्टिचिंग भी अच्छी है बहुत। तो ये आज मैंने रिसीव किया है, और आज मेरे दो और पार्सल्स आने हैं, जब वो आ जाएंगे वो भी मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे ना कि हम लोग कैसे क्या क्या, मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें हम क्या बना के रख सकते हैं, वो मैंने वीडियो भी की थी जिसमें मैंने दही भले बनाए थे, डेट्स की एक दो चीज़ें, चने बॉयल करके रखे थे, और सब कुछ रमज़ान की तैयारी की थी। एक और चीज़ है जो मैं इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से आपने प्याज को ब्राउन करके आप पूरा महीना रख लें, वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और बहुत इजी होता है, क्योंकि शहरी में हमारा दिल चाहता है सालन कोई हो पराठे के साथ, या ब्रेड अगर आप लेते हैं, जो भी आप लेते हैं, तो सालन या कुछ और बनाने के लिए बहुत ईजी होता है कि अगर आपके पास प्याज ब्राउन किया हुआ ऑलरेडी अवेलेबल हो तो। आज मेरी एक फ्रेंड ने भेजी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसके लिए हमें किचन में चलना है, तो किचन में ये ना, ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ ना, इससे आप प्याज ब्राउन कर लेंगे विदाउट ऑयल, और आप इसको 1 महीने तक आराम से प्रिजर्व कर सकते हैं फ्रीज़र में। वो दिखा रही हूँ मैं आपको कैसे। सूजी ले ली आपने थोड़ी सी कढ़ाई में, और आपने आधा किलो प्याज ले लिए, इस तरह नॉर्मल काट लिए आप। अच्छा, इसमें ना आपने प्याज काट लेने, बेशक आधा किलो प्याज काट ले, और ये थोड़ी सी सूजी मैंने ली है इसमें कढ़ाई में,
और आप वो आधा किलो प्याज इसमें डालें। काटे अच्छे। और इसके बाद आपने इसको इस सूजी के साथ आपने इसको ब्राउन कर लेना है। ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, सूजी एक्ट करेगी पता नहीं कैसे ऑयल जैसा मगर करेगी, इसमें ये ब्राउन हो जाएगा प्याज। अस्सलाम वालेकुम। जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है वो उस अभी करूँगी ये जो बनी है, और साथ में ये मेरा आज का डिनर है और इसकी रेसिपी मैंने आगे शेयर की हुई है। बहुत लाइट और अच्छा बनता है, और जब आपका दिल ना चाह रहा हो कि आप लंच का कुछ हैवी सालन वगैरह लें या कुछ भी, तो आप बहुत आराम से ये बना सकते हैं। साथ मेरी फ्रेंड भी आई हुई है, वो भी हम दोनों ही इन्जॉय करेंगे अभी, और क्योंकि बहुत दिन से वो मुझे लग रहा था मोनोटोनस हो गया और किचन में नहीं गया है, तो इसलिए आज रेसिपी है, तो चलते हैं। इसके लिए आपने थोड़ा सा चिकन लेना है। चिकन में आपने नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा सोया सॉस और लेमन डाल के इसको थोड़ी देर मैरिनेट करना है। उसके बाद आपने इसको ऑयल में थोड़ा सा गार्लिक डाल के ना आपने इसको सौते कर लेना है, इतना कि वो नरम हो जाए। उसके बाद आपने इसमें स्पिनच लीव्स डालने हैं और थोड़ी सी दड़ा मिर्च डालनी है, और ये डालने के बाद आप इसको भून लें ताकि ये नरम हो जाए। ये तैयार हो गया है और अब आप इसको निकाल लें, ज़्यादा फ्लेवर्स की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी बहुत मज़े का लगता है। अच्छा जी, जो वाइट सॉस बनानी है उसके लिए, सॉरी, पहले आप पैनकेक्स बना रहे हैं, इसमें आपने 2-3 चम्मच टेबलस्पून डालने हैं मैदे के, उसमें एक अंडा डाल लें और दूध डाल लें, और दूध डालने के बाद आप इसको ब्लेंड कर लें। इसकी कंसिस्टेंसी या थिकनेस होनी चाहिए इतनी जितनी जैसे आपकी केचप की होती है ना, उतनी सी। मैंने इसमें और कुछ नहीं डाला, लेकिन आप एक चुटकी नमक की डाल सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं क्योंकि वाइट सॉस भी है और आपने जो फिलिंग बनाई है उसमें भी सॉल्ट और सारी सीजनिंग्स एडेड हैं। आप इसको स्प्रेड कर लें फ्राई पैन में डाल के और ये एक पैनकेक की फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा जी, इसको आप बना के निकाल लें। अब आपने नूरपुर मक्खन में थोड़ा सा गार्लिक डालना है, और गार्लिक डालने के बाद आप उसमें समझे एक टेबलस्पून या आधा टेबलस्पून आप मैदे का डाल दें, भून लें। उसके बाद उसमें दूध डालें, और दूध डालने के बाद उसमें ऑरिगैनो और नमक, काली मिर्च डाल लें। यह आपकी वाइट सॉस तैयार हो गई है। इसमें चीज़ आज मैंने नहीं डाली, वैसे आप थोड़ी सी चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, पक चीज़ वगैरह।